वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे हम सुकम कंपनी की इन्वर्टर के बारे में, जो कि सुकम सार्क कंपनी की इन्वर्टर की सर्किट डायग्राम देखने को आपको मिलेगा और इसमें आपका रिले सेक्शन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें आपका दो देखने को रिले मिलता है, एक होता है आपका आउटपुट के लिए, एक होता है आपका चार्जिंग सेक्शन के लिए। तो आउटपुट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिले का एक पॉइंट आपका कॉमन है जो कि आउटपुट के लिए हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट के लिए हो जाएगा। एनसी जो है नॉर्मली कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि मेंस आने पर आपको डायरेक्टली आउटपुट मेंस को देखने को मिलेगा। जैसे लाइट चली जाएगी, रिले ऑन हो जाएगा, उस पीरियड में एनसी का कनेक्शन छोड़ के ये एनओ में हो जाएगा और यहाँ पे आपको 200 वोल्ट आउटपुट देखने को मिलेगा। जब बैटरी पे वर्क करती है उस पीरियड में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। और चार्जिंग सेक्शन का रिले इस तरह ही इसमें भी काम करता है, जब मेंस रहेगी उस पीरियड में ये रिले ऑफ रहेगा और जब ऑफ रहेगा तो कॉमन ये एनसी यानी कि नॉर्मली कनेक्टेड से कनेक्टेड ये रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन सप्लाई आएगी और एनसी में कनेक्शन होगा और कॉमन में कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग कंट्रोल सेक्शन में इनपुट होगा जो कि एससीआर से बना होता है और यहाँ से ये वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करते हुए बैटरी को यहाँ से चार्ज करेगा और यहाँ पे 125 जो टेपिंग होगा ट्रांसफार्मर को वहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे ये कंट्रोलिंग करता है और ये रिले टू रहेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिले वन जो है आपका आउटपुट में रहेगा और रिले का A1 A2 यानी कि ये कोइल का कनेक्शन होता है। यहाँ पर जब सप्लाई देने पर ही ये NC और NO से ये कनेक्शन होता है कॉमन, ठीक है। इसके बीच में आपको दो डायोड देखने को मिलेगा, एक आपका डायोड जीरो डायोड मिलेगा, एक आपका डायोड देखने को मिलेगा। जो डायोड एक रहेगा वो 4148 ये डायोड रहेगा और एक आपका 18 वोल्ट की यहाँ पे डायोड रहेगी D19 18 वोल्ट का रहेगा। सेम आपको दो रिले में भी ऐसा रहेगा। आप अभी देख सकते हैं D12 जो है 4148 है, D11 जो है आपका 18 वोल्ट का यहाँ पे जीना डायोड है। तो यहाँ पे जो कि पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट में रहेगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव सप्लाई मिलने पर ये रिले ऑन होगा। नेगेटिव सप्लाई दोस्तों कहाँ से मिलेंगे, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है Q14, इसके थ्रू जो कि आप नेगेटिव सप्लाई मिलेंगे। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा उस पीरियड में यहाँ पे आपको 12 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा। जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगी यहाँ पे जो 12 वोल्ट रहेगा रिवर्स होके यहाँ पे नेगेटिव जब सप्लाई मिलेगी तो यहाँ पे ये नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव, यानी कि रिले ऑन हो जाएगा। ऑन करने के लिए देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर 11 से ये ड्राइव वोल्टेज निकलेगी जो कि यहाँ पे 0 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा डिफॉल्ट में, यानी कि जब इसमें सिग्नल नहीं आएगी तो यहाँ पे 0 वोल्ट देखने को मिलेगा। जैसे रिले के लिए सिग्नल आएगी तो यहाँ पे 4.8 वोल्ट देखने को आपको मिलेंगे और रिले के थ्रू यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगा और यहाँ पे 0.7 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है ये वोल्टेज को डाउन करते हैं यहाँ पे इनपुट करेगा, यानी कि वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हुए। तो यहाँ पे R72 इसकी लोकेशन है, 1.5 के का रेजिस्टेंस देखने को आपको मिलेगा। इसके बीच में एक रेजिस्टेंस और है जो कि ग्राउंड किया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं R73 2.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे रेजिस्टेंस अगर खराब होने पर भी आपका ये रिले वर्क नहीं करेगा। अगर रिले ये वर्क नहीं कर रही है तो आपको रिले चेक करना है, यहाँ पे जीरो डायोड चेक करना है और यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक कर लेना है, ठीक है। और आउटपुट का रिले अगर काम नहीं करे तो रिले को आपको यहाँ पे भी चेक कर लेना है, यहाँ पे जीरो डायोड चेक कर लेना है और यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है Q12, इसको भी आपको चेक करना है। इसमें सेम आपका होता है डिफॉल्ट में यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। जब ये रिले ऑन होगा यानी कि ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ पे जो नेगेटिव सप्लाई है यहाँ पॉजिटिव मिलने पर ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और ये रिले ऑन हो जाएगा और इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए यहाँ पे 0.7 वोल्ट आने पर ही ये ऑन होगा। और देख सकते हैं माइक्रो आईसी पिन नंबर 23 से 4.8 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा जब ये रिले के लिए सप्लाई आएगी सिग्नल, ठीक है। और अगर ये सप्लाई नहीं आ रही तो यहाँ पे 0 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो वोल्टेज आपको 4.8 वोल्ट देखने को मिल रहा है ये आपका R67 है जो कि 1.5 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पे वोल्टेज 0.7 वोल्ट होने के बाद में ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है NPN। दोस्तों, इसकी जो सेंटर की जो वोल्टेज होगी वो पॉजिटिव होने पर ही ये ऑन होगा, जैसे कि इसमें
मैंने आपको बताया एनपीएन ट्रांजिस्टर पॉजिटिव जो होता है, सेंटर में पॉजिटिव होने पर ही ये ऑन होगा। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव सप्लाई 0.7 वोल्ट देखने को मिलने पर ही आपका ये ट्रांजिस्टर ये रिले ऑन होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और ये कॉमन से कनेक्ट रहेगा डिफॉल्ट में, यानी कि इसकी A1 A2 जो होता है कोयल की सप्लाई होती है, यानी कि रिले के अंदर कोयल होता है। जब यहाँ पर सप्लाई आएगी तो यहाँ पर जब मैग्नेट बनेगा तो इसको यहाँ पे पुल करके यहाँ पे ये ड्रॉ करके यहाँ पे खींच लेने के बाद में ड्रॉ करके ये एनोड में कनेक्शन हो जाएगा। इस तरह ये कनेक्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर पे आपका 3 कनेक्शन रहेगा, 125 चार्जिंग के लिए रहेगा, 200 आउटपुट के लिए रहेगा, न्यूट्रल आपका कॉमन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल ये कॉमन हो गया है, लाइन इन होगा यहाँ पे, उसके बाद लाइन आउट होगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे FB यानी फ्यूज बिफोर कनेक्शन रहेगा, फ्यूज के बिफोर का यहाँ पे कनेक्शन आपको करना होगा। तो सर्किट देख सकते हैं, सर्किट में लोकेशन मैंने बताई है किस यहाँ पर जो रजिस्टर है वो किस लोकेशन में देखने को आपको मिलेंगे। ट्रांजिस्टर Q14 के बेस पे ये सप्लाई चली जाएगी, कलेक्टर से आउट होगा, ये आपका रिले ऑन हो जाएगा। सेम इसमें सेकेंड चैनल में भी है, आप देख सकते हैं माइक्रो आईसी की पिन नंबर 23 से आउट होगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R67 रहेगा, 1.5 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस रहेगा। इसके थ्रू जाके आपका Q12 जो ट्रांजिस्टर है इसकी बेस पे जाएगी, यहाँ पे 0.7 वोल्ट देखने को आपको मिलेंगे। सेम इस तरह रहेगा। यहाँ पे आप लोकेशन देखते हुए आपको प्रोमोट ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये यहाँ पे रजिस्टर 2 लगे हुए हैं और ये ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर बार बार खराब होते रहेंगे, तो इसको भी आपको चेक करना होता है। ये अगर रजिस्टेंस ओपन हो जाएगी तो ये ट्रांजिस्टर बार बार ओपन होते रहेगा, तो इसको आपको ध्यान देना है। और रिले वर्क ना करें तो रिले को चेक करना है, रिले का ट्रांजिस्टर को चेक करना है, ट्रांजिस्टर के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेक करना है। रेजिस्टेंस को चेक करने के बाद में यहाँ पे जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हुए ट्रांजिस्टर को देता है, यहाँ पे आपको इस रेजिस्टेंस को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो आईसी तक आपको पहुँचना है। माइक्रो आईसी में अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, यानी कि जब स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, तो आपका माइक्रो आईसी भी ख़राब हो सकता है, और यहाँ पे रेजिस्टर जो है शॉर्ट होने के बाद में ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बाद वोल्टेज को जीरो कर सकता है, इसको आपको ध्यान देना है। दोस्तों इस इन्वर्टर की ऐसे अभी सभी इन्वर्टर की बुक आपको चाहिए तो उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपने नंबर दे दी है, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग इन्वर्टर सभी इन्वर्टर कंपनी आ सकते हैं और इजीली रिपेयर कर सकते हैं। सभी आपका साइन ऑफ का डायग्राम देखने को मिलेगा, नॉन साइन ऑफ का देखने को मिलेगा, स्टेबलाइजर का मिलेगा, और आपका बैटरी चार्जर का बुक मिलेगा आपको देखने को। सभी कंपनी के बुक आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसको मंगाने के लिए आपको एडवांस में पेमेंट करने होंगे, जो कि मैं आपको अपने व्हाट्सएप में बता दूंगा अगर वो हमसे कांटेक्ट करेंगे तो। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।